शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। दोस्तों, ये कहानी 12 साल के एक लड़के की है। उसके वालिद की 5 साल पहले मौत हो गई थी। उसके घर में 3 लोग थे, उसकी माँ, एक बड़ी बहन और एक वो खुद। उस लड़के का नाम साजिद था। साजिद के वालिद प्राइवेट जॉब करते थे। उन्होंने बड़ी मेहनत से सस्ते वक्त में 3 मंजिला एक छोटा सा घर बनवाया था। साजिद के वालिद 35 साल की उम्र में हार्ट अटैक की वजह से ज़िंदगी की बाजी हार गए। इनकी मौत के बाद इनके घर पर परेशानियां होने लगी। साजिद की माँ की उम्र उस वक्त 30 साल थी। कहते हैं कि गरीब का कोई रिश्तेदार और दोस्त नहीं होता। साजिद के वालिद की वफात के बाद जिस प्राइवेट कंपनी में वो जॉब करते थे, उन्होंने सिर्फ 2 लाख की रकम उनको अदा की और फिर पलट कर कभी खबर ना ली। यही हाल उनके रिश्तेदारों का हुआ और वो भी अपने हाल में गुम हो गए। अब 2 बच्चों की कफालत का जिम्मा उसकी जवान माँ के कंधों पर था। साजिद की माँ ने 4.5 महीने इद्दत में गुजारे और 2 लाख थोड़े थोड़े खर्च करती रही। बड़े हुए कुएं भी एक रोज खाली हो जाते हैं। यहाँ तो सिर्फ 2 लाख रुपए थे। तकरीबन 10 माह में वो सब खत्म हो गए। अब डेढ़ों खर्च थे और उनकी आमदनी का कोई जरिया नहीं था। साजिद की माँ ने कुछ करने की ठान ली और अल्लाह का नाम लेकर घर से बाहर निकली। पहले महीने उसे 1 माह में मासी का काम करने को मिल गया। अगले 6 महीनों में उसे 2 और घरों में काम मिल गए, मगर पैसे सिर्फ 12,000 मिलते थे। अब 6,000 रुपये दोनों बच्चों के स्कूल की फीस, 2,000 यूटिलिटी बिल्स वगैरह, इसके बाद सिर्फ 4,000 रुपये बचते थे और 4,000 रुपयों में वो पूरा महीना गुजारते। अब तो महीने के आखिर में फाके करते इसी हालत में उस घर का वक्त गुजर रहा था। एक दिन साजिद क्लास में बैठा पढ़ाई में लगा हुआ था। साजिद को कुछ खाए 2रा दिन था। सिर्फ पानी पर वो गुजारा कर रहा था। उसके चेहरे का रंग भी पीला पड़ चुका था, मगर वो अपनी पढ़ाई में मशगूल था। अचानक उसके क्लास टीचर आबिद सर की नज़र उस पर पड़ी। उन्होंने कुछ देर कुछ सोचा और फिर अहमद को अपने पास बुलाया। सर आबिद बहुत लायक और मेहनती इंसान थे। जब अहमद अपनी सीट से उठकर उनके पास आ रहा था तो उसके पैर लड़खड़ा रहे थे। जब साजिद उनके पास आया तो उन्होंने बड़े प्यार से उसकी खैरियत पूछी तो साजिद ने कहा कि वो ठीक है। जब उन्होंने उससे लड़खड़ाकर चलने की वजह पूछी और कहा कि बेटा सब सच बताओ, क्या मसला है, तो साजिद ने खुशक आंखों से अपने टीचर के चेहरे की तरफ देखा और कहा, सर हमारे घर का राशन ख़त्म हुए 2 दिन हो गए हैं। उसने और उसके घर वालों ने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। शदीद भूख की वजह से उसे चक्कर आ रहा है और इसी वजह से चलने में उसके पाँव लड़खड़ा रहे हैं। ये सुनकर आबिद सर ठिठक कर रह गए। उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने साजिद को सीने से लगा लिया, फिर उसे साथ लिया और स्कूल के स्टार रूम में लेकर गए। चपरासी को बुलाया, उसे कुछ पैसे दिए और कहा जल्दी से बाजार जाओ और कुछ खाने की चीज़ें लेकर आओ। 10-15 मिनट के बाद वो बर्गर और एक कोल्ड ड्रिंक लेकर आया। आबिद सर ने उसे दिया और कहा बेटा जल्दी से इसे खा लो। चुनाचे साजिद ने वो बर्गर अगले 2-3 मिनट में ख़त्म कर दिया और कोल्ड ड्रिंक भी पी ली। उस्ताद ने उसे वापस क्लासरूम में भेज दिया और कहा जब स्कूल की छुट्टी हो वो सीधा उनके पास चला आए। जब छुट्टी हुई तो वो सर आबिद के पास आया। सर आबिद ने उसे अपनी मोटरसाइकिल पर बिठाया और सीधे मार्केट गए, जहाँ से उन्होंने आटे का थैला, दालें, चीनी, चाय की पत्ती और कुछ सब्जियाँ खरीदी और उसके घर पहुँच गए। जब उन्होंने सारी चीज़ें उनके बबरची खाने में रख दी, साजिद की माँ घर पर मौजूद नहीं थी। वो बेचारी तो सुबह सुबह घर से निकलती और दोपहर के 2 बजे घर वापस आया करती थी। सर आबिद ने साजिद को तसल्ली दी और कहा बेटा आज के बाद हर माह 10 तारीख को इनके घर राशन पहुंच जाया करेगा। इसे फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस वो मेहनत और दिल लगाकर अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दे। जब उन्हें मालूम हुआ कि साजिद एक यतीम बच्चा है तो उन्होंने उसके स्कूल की फ़ीस भी माफ़ करवा दी। जब साजिद की वालिदा वापस घर आई, बावर्ची खाने में पड़े राशन के बारे में साजिद से पूछा तो उसने सारी बात अपनी वालिदा को बता दी और कहा हर महीने की 10 तारीख को सर आबिद उनके घर राशन पहुंचा दिया करेंगे और उन्होंने उसके स्कूल की फीस भी माफ़ करवा दी है। ये सब सुनकर साजिद की माँ रो पड़ी और दुआ के लिए अल्लाह के हजूर अपने हाथों को उठा लिया और सर आबिद को बहुत सी दुआएं दी। अगले रोज साजिद की माँ उसके स्कूल गई, सर आबिद का शुक्रिया अदा किया तो सर आबिद कहने लगे आप मेरी बहन की तरह हो और बहन को भाई का शुक्रिया अदा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको सिद्दीके दिल से मैंने बहन कहा है तो इंशाल्लाह आपका ये भाई हमेशा आपके काम आता रहेगा। वक्त गुजरता गया और आने वाले 7 सालों में ये बता दिया कि सर आबिद ने अपने इस रिश्ते का हक अदा कर दिया। वह हर महीने की 10 तारीख को महंगाई के इस दौर में भी
घर का पूरा राशन साजिद के घर पहुंचाते रहे। इसके अलावा रमजानुल मुबारक के मुकद्दस महीने में और ईद पर भी उनकी इजाफी इमदाद करते रहे। सर आबिद एक प्राइवेट स्कूल टीचर थे, उनकी इतनी ज्यादा तनख्वाह भी नहीं थी, मगर वो अपने घर के साथ साथ साजिद के घर की कफालत भी करते रहे। अच्छे और बेहतरीन लोग आज भी इस दुनिया में मौजूद हैं। साजिद मेहनत और लगन से अपनी पढ़ाई बड़ी खुशी से तय कर रहा था। हर इम्तिहान में मेहनत से फर्स्ट डिवीजन लेता था और इसी तरह कामयाबी की मंजिलें तय करता हुआ वो आगे बढ़ रहा था और उसे यूरोप की एक यूनिवर्सिटी से अकाउंट्स की डिग्री के लिए स्कॉलरशिप मिल गई। साजिद, उसकी वालिदा और बहन आज बहुत खुश थे। आज उन्हें अपनी मेहनत का फल मिल गया था। यूनिवर्सिटी की तरफ से साजिद को आने जाने के लिए हवाई जहाज की फ्री टिकट की पेशकश हुई। उसने एक दिन के बाद सामान तैयार किया, एयरपोर्ट पहुंच गया। उसने जहाज के सफर का कभी सोचा भी नहीं था, मगर आज अल्लाह पाक ने उस पर अपना खास फजलो करम फरमाया था। वो जहाज में बैठा अपनी गुजरी हुई जिंदगी के बारे में सोच रहा था। हवाई जहाज ने फिजा में उड़ान भरी और अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गया। उसकी फ्लाइट 10 घंटे की थी और बिलाखिर वो यूरोप पहुंच गया और अगले दिन उसने अपनी क्लासेस अटेंड करना शुरू कर दी। उसका रहना खाना पीना सब कुछ फ्री था, बल्कि उसको स्कॉलरशिप में बाउंस भी मिलते रहे और उसने अपने खाली वक्त में जॉब भी शुरू कर दी थी। जो अलाउंस उसको मिलते वो हर माह अपनी माँ को भेज देता था। उसने अपनी माँ को लोगों के घरों के काम करने से मना कर दिया था। अब उसकी माँ को अपने बेटे की तरफ से माहाना 1.5 से 2 लाख रुपए मिल रहे थे, जिससे उसने अपने घर की तमीर का काम भी मुकम्मल करवा लिया। नया फर्नीचर, नया एसी, नई LED भी ली। साजिद की बड़ी बहन आयशा की तालीम भी मुकम्मल हो गई। अब वो रिश्तेदार जिन्होंने कभी उनकी खबर तक ना ली थी, आज वो उनके घर आना जाना शुरू कर चुके थे। वक्त गुजरता गया और देखते ही देखते 2 साल का अरसा पलक झपकते ही गुजर गया। यूनिवर्सिटी के कन्वोकेशन में सजाद को आला डिग्री दी गई। सजाद को अपने ही मुल्क की एक कंपनी में जनरल मैनेजर की जॉब पेशकश हुई, जिसमें 5 लाख रुपए माहाना सैलरी दी गई। सजाद का यूरोप में आज आखिरी दिन था। उसने 1.5 सारे तोहफे तहाइफ अपनी बहन और माँ के लिए खरीदे और टैक्सी में बैठकर एयरपोर्ट पहुँच गया। जो लोग अल्लाह की ज़ात पर मुकम्मल भरोसा करते हैं और उस पाक ज़ात की इबादत और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात पर अमल करते हैं, तो अल्लाह ताला ऐसे लोगों को कभी तन्हा नहीं छोड़ता। अल्लाह की पाक ज़ात किसी की मेहनत को कभी ज़ाया नहीं फरमाती। सजाद एयरपोर्ट पहुँच कर वहाँ बैठा हुआ था। थोड़ी देर बाद जहाज़ की रवानगी की अनाउंसमेंट हुई। उसका बोर्डिंग कार्ड उसके पास था। वो अपनी जगह से उठा, जहाज की तरफ चल पड़ा। जहाज में अपनी सीट पर बैठकर उसने अपनी आंखें मूंद ली और फिर पता ही ना चला जब उसके जहाज ने मुल्क की फिजाओं को छुआ और फिर चंद मिनटों के बाद जहाज उसके मुल्क में लैंड कर गया। एयरपोर्ट से बाहर आकर उसने एक टैक्सी ली, अपना सारा सामान साथ लिया, उस पर बैठ गया और आधे घंटे बाद अपने घर के दरवाजे पर खड़ा हुआ। उसकी माँ ने जब अपने जवान बेटे को अपने सामने देखा तो खुशी से उसको अपने गले से लगा लिया, उसके चेहरे को चूमने लगी, उसकी आंखों से आंसू जारी हो गए। उसने अपनी माँ के हाथ और पांव को बेसाख्ता चूमा। सजाद एक कामयाब शख्स बनकर अपनी माँ के सामने खड़ा था। सजाद की माँ बहुत खुश थी। सजाद ने इस मल्टीनेशनल कंपनी में बतौर जनरल मैनेजर अपनी जॉब ज्वाइन कर ली। जैसे ही वो अपनी सीट पर बैठा, उसे एकदम अपने स्कूल टीचर सर आबिद का ख्याल आया, जिन्होंने 7 साल लगातार उनके घर में राशन भेजा था और वही राशन खाकर आज सजाद जवान हुआ था। सर आबिद कोई अमीर आदमी नहीं थे, बल्कि वो भी तनख्वाहदार एक सफ़ेद पोश गरीब इंसान थे। सजाद की माँ को उन्होंने बहन कहा था, भाई बनकर दिखाया था। सजाद स्कूल से, कॉलेज से, यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी से यूरोप चला गया। कई साल गुजर गए थे, उसने पलटकर सर आबिद की कभी खबर ना ली थी। वो बड़ा शर्मिंदा हुआ, नादिम था। वो फौरन अपनी सीट से उठ खड़ा हुआ और अपनी कंपनी की गाड़ी में स्कूल की तरफ रवाना हो गया। स्कूल पहुँच कर उसने सर आबिद के बारे में पूछा। उसे बताया गया कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, लिहाजा 1.5 साल पहले ही वो जॉब छोड़ चुके हैं। सज्जाद ने उनका फ़ोन नंबर लिया, अगले ही लम्हे कॉल मिलाई। 5वीं बेल पर उन्होंने कॉल रिसीव कर लिया। सलाम करने के बाद सज्जाद ने उनसे मिलने की दरख्वास्त की, उनके घर का पता पूछा तो जवाब में आबिद सर ने अपने घर का एड्रेस बता दिया। इसके बाद सज्जाद बाजार गया, वहाँ से 1.5 सारा फल, मिठाई और दीगर तहाइफ खरीदे और 2 घंटे के बाद वो सर आबिद के घर में मौजूद था। सर आबिद का घर क्या था? एक शिकस्ता हाल बिल्डिंग थी। सर आबिद बहुत कमज़ोर हो चुके थे, वो बहुत बीमार थे। उन्हें इलाज की ज़रूरत थी, मगर इलाज के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। वो बेचारे शाम को बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते थे, जिससे उनके घर का चूल्हा जलता था। उनके हालात देखकर सज्जाद बहुत परेशान हुआ। सर आबिद के 3 बच्चे थे, 2 बेटियां और 1 बेटा। बेटी सबसे बड़ी थी। ग्रेजुएशन के बाद वो घर में बैठी थी, उनके बेटे सरकारी कॉलेज में पढ़ते थे। सज्जाद अपने सर से मिला, उनके हाथों को बोसा दिया, काफ़ी देर पास बैठा रहा, अपनी कामयाबी के बारे में बताया।
कल ही वो यूरोप से डिग्री लेकर आया था और आज उसने मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब भी स्टार्ट कर ली थी। अब वो उन्हें मिलने के लिए आया है, उनकी दुआएं लेने के लिए आया है। सर आबिद ने उसे बहुत सी दुआएं दी। शाम को सज्जाद दोबारा उनके घर आया, उन्हें साथ लिया और मेडिकल स्पेशलिस्ट से उनका चेकअप करवाया। उनका एक महीने का इलाज था। सज्जाद ने मेडिकल स्टोर से पूरे महीने की चीज़ें खरीदी, गोश्त, सब्जियां, हल। वो हर रोज़ उनके घर पहुंचाया जाता और रोज़ाना उनकी खैरियत भी पूछता। एक महीने के बाद सर आबिद तंदुरुस्त हो गए। अब सज्जाद ने उनके घर को मरम्मत करवाने के लिए एक बंदे को काम पर लगा दिया। उनके बड़े बेटे को अपनी ही कंपनी में जॉब दिलवा दी। एक दिन सज्जाद की अम्मी सर आबिद के घर आई। उनकी बेटी नीता का रिश्ता सज्जाद के लिए मांगा, जिसे सर आबिद ने खुशी खुशी कबूल कर लिया। फिर सर आबिद ने उनकी बेटी रिमशा का रिश्ता अपने बेटे के लिए मांगा। वो चंद दिन की मोहलत लेकर आई। अपनी बेटी और बेटे के साथ मशवरा करने के बाद उन्होंने भी हाँ कर दी। आज सर आबिद बहुत खुश थे। अपने ऊपर अल्लाह ताला की बेनतहा अनायत फजलो करम पर वो बार बार उस पाक ज़ात का शुक्र अदा कर रहे थे। कुछ अरसे के बाद सज्जाद ने एक प्राइवेट स्कूल खोला, जिसका प्रिंसिपल सर आबिद को बनाया। आज पूरे शहर में स्कूल का अच्छा खासा नाम है। सज्जाद उस स्कूल की दूसरी ब्रांच खोलने के बारे में सोच रहा है। सच कहते हैं कि जो नेकी सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए की जाती है, उसका बदला अल्लाह पाक आखरत में ज़रूर देता है, मगर इस दुनिया में भी उस बंदे को बहुत नवाजता है। सुबहानअल्लाह।